गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू बैंक आईक्यू। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू आर डूइंग गुड। आज 7 फरवरी है। आज चेक्स एंड बैलेंस, ये वीवीपैट ईवीएम के ऊपर लिखा गया एक एडिटोरियल है। टफ टॉकिंग और ट्रंप एंड हिज जनरल्स, ये दोनों आर्टिकल्स अफगानिस्तान, तालिबान, रशिया, चाइना, यूएसए, तो आप कह सकते हैं जियोपॉलिटिकल बेस्ड आर्टिकल हैं। वी नीड अ लीप इन हेल्थ केयर स्पेंडिंग, ये हेल्थ केयर के ऊपर लिखा हुआ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट आंकड़े हमें पढ़ने को मिलते हैं। तो लेट्स स्टार्ट अवर डिस्कशन। चेक्स एंड बैलेंस जो हैं, इसमें ये बताया गया है कि जो ईवीएम्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ईवीएम्स जो पेपर बैलेट की सिस्टम थी, तो इससे कई ज़्यादा अच्छा है। और अगर देखा जाए तो सच बात भी है, क्योंकि सबसे पहले तो मैं इसको देखता हूँ, जो पेपर बेस्ड वोटिंग था, तो पेपर बेस्ड वोटिंग यानी कि अगर जनरल इलेक्शन होता है या फिर जनरल इलेक्शन के साथ साथ लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस होते हैं, तो हमें ह्यूज अमाउंट ऑफ पेपर का उपयोग करना पड़ता है। और ये जो कागज़ हैं, उसका मैन्युफैक्चरिंग हमें पता है कि पेड़ों को काट कर किया जाता है। तो इको फ्रेंडली कंटेक्स्ट में देखा जाए तो भी ये एक अच्छी बात नहीं है। जनरली इसके बारे में इको फ्रेंडली पॉइंट ऑफ व्यू से कम डिस्कशन हमें देखने को मिलती है जब हम पेपर बैलेट की बात करते हैं। लेकिन ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज का ज़माना, जिसमें क्लाइमेट चेंज हो रहा है, एनवायरमेंट जो है वो हमने नियरली डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो इन सारी छोटी छोटी चीज़ों को भी हमें इसके ऊपर सोचना चाहिए। जनरली स्पीकिंग हर कोई इसके बारे में बात करता है कि टेक्नोलॉजी है, ये है, लेकिन इको फ्रेंडली टच भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। आपका जो आंसर है, इनकेस अगर आपको ऐसे राइटिंग में या फिर कभी भी ऐसा प्रश्न पूछा जाता है, तो आपका आंसर जो है वो स्टैंड आउट होगा, बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट समथिंग दैट इज देयर, जो एक चीज़ है, लेकिन कम इसके ऊपर डिस्कशन होती है। तो कीप दिस थिंग इन माइंड। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि इसका जो आपको कैरी करना है, फिर हमारे देश में अलग अलग टाइम पर, आपको पता है कि नॉर्थ इंडिया में जब एक विंटर सीज़न होती है, तो तमिलनाडु की अगर बात करें तो वहाँ पर रेनफॉल भी होता है, तो फिर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट के लिए कह सकते हैं या फिर लॉजिस्टिक में इश्यूज आ सकते हैं, क्योंकि आपको बड़े बड़े बॉक्सेस जो हैं उनको कैरी करना होता है। वन मोर थिंग दैट आई वुड लाइक टू एड हियर इज़ के बूथ कैप्चरिंग, यानी कि कई ऐसे पॉकेट्स हैं जहाँ पर वहाँ के जो माफिया हैं, वहाँ के जो डॉन्स होते हैं, तो वो बूथ को कैप्चर कर लेते हैं। लेकिन ईवीएम्स जो होते हैं, उसमें एक सिस्टम है कि अगर आप कंटिन्यूसली अलग अलग बटन्स या फिर एक बटन को बार बार रिपीट करते हैं, प्रेस करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वोट रजिस्टर हो रहा है, कुछ सेकेंड्स के बाद ही आप वोट्स को रजिस्टर कर पाते हैं। तो ऐसे कुछ फ़ायदे हैं ईवीएम्स के कंपेयर टू पेपर बैलेट। दूसरे भी फायदे हो सकते हैं, कॉस्ट की बात करें, ट्रांसपोर्टेशन के कॉस्ट की बात करें, तो ये सारी चीज़ें भी हैं। नाउ द थिंग इज़ कि कई बार हम ये जो ईवीएम है या फिर वीवीपैट है, ये न्यूज़ में ज़्यादातर इसीलिए रहता है क्योंकि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इसके ऊपर ऐसे इल्ज़ाम लगाए हैं कि ईवीएम जो है इसके साथ टेम्परिंग किया जा सकता है, यानी कि इसके साथ कोई छेड़खानी की जा सकती है। लेकिन आज तक ऐसा एक भी एविडेंस जो है वो हमें देखने को नहीं मिला है। एक बहुत ही रोबस्ट सिस्टम है इसको प्रोड्यूस करने की, चेक करने की, रैंडम सैंपल्स जो होते हैं प्रोड्यूस्ड ईवीएम्स के, इसको चेक किया जाता है। किसी भी प्रकार की कनेक्टिविटी इसमें नहीं होती है, यानी कि रेडियो सिग्नल्स के माध्यम से या किसी भी चीज़ के साथ जुड़ नहीं सकता है। तो ईवीएम जो हैं, एज़ पर इलेक्शन कमीशन, जो भी चीज़ें हमें जो राइट सोर्सेस में से पढ़ने को मिलती है, उससे हम सेफली ये कह सकते हैं कि ईवीएम जो हैं ये एक सिक्योर सिस्टम है। द थिंग इज़ के हाल ही में ओपोजिशन पार्टीज़ जो हैं, उन्होंने ये एक डिमांड की है कि 50% जो वीवीपैट की स्लिप्स होती है, वीवीपैट एक मशीन है जो ईवीएम के साथ जोड़ा जाता है, आपको पता है हमने कल और परसों भी इसके बारे में बात की थी, तो ये जो वीवीपैट की स्लिप्स हैं, 50% वीवीपैट की स्लिप्स को काउंट किया जाए। फिलहाल इलेक्शन कमीशन जो है उसकी प्रोसेस ये है कि हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में से एक रैंडमली एक बूथ को सिलेक्ट किया जाता है, और उस बूथ के जो ईवीएम हैं उनमें जितने भी वोट रजिस्टर हुए हैं, इसी के साथ जो वीवीपैट की स्लिप्स होती हैं उनको काउंट किया जाता है, फिजिकली काउंट किया जाता है, जिससे टैली किया जा सके कि किसी भी प्रकार का कोई ग्लिच नहीं है, कोई इश्यू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। तो ये एक मेथड जो है वो इलेक्शन कमीशन के द्वारा फॉलो की जाती है। इलेक्शन कमीशन ने इस ये एक रैंडमली जो सेलेक्ट की जाती है कॉन्स्टिट्यूएंसी, तो ये एक स्टेटिस्टिकल मॉडल के ऊपर आधारित है। वो बात अलग है कि इंडियन स्टेटिस्टिकल इंस्टीट्यूट जो है वो एक रिपोर्ट तैयार कर रहा है और कैसे सैंपल्स को और अच्छी तरीके से सेलेक्ट किया जा सकता है, तो इसके ऊपर
विचार विमर्श हो रहे हैं और कुछ ही टाइम में इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट जो है वो अपने इस रिपोर्ट के माध्यम से इलेक्शन कमीशन को शायद एक और नई तरकीब जो है वो डिलीवर कर सकता है. तो वी हैव टू वेट एंड वॉच फॉर दैट वन. और ग्लिचेस की बात करें, वीवीपैट मशीन्स में सबसे ज़्यादा ग्लिचेस हुए हैं. ईवीएम जो हैं उसमें बहुत कम हमें ऐसे इश्यूज या फिर प्रॉब्लम्स देखने को मिले हैं, लेकिन वीवीपैट मशीन्स जो हैं उसमें ट्रांसपोर्टेशन में, फिर कई बार एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस के वजह से वीवीपैट मशीन्स में खास तरह की एक चीज़ यूज़ की जाती है, मैग्नेटिक होती है, तो उस वजह से इसमें हमें ग्लिचेस देखने को मिले हैं. लेकिन फिर इसका प्रोडक्शन जो है उसको इम्प्रूव किया गया, कुछ नई चीज़ें इसमें ऐड की गई, तो इससे वीवीपैट मशीन्स जो हैं उसका जो एरर रेट है वो काफ़ी कम हो चुका है. एक और चीज़ यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा कि अगर देखा जाए तो ईवीएम्स जो हैं वो फुल प्रूफ हैं, वो प्रूफ हो चुका है, लेकिन फिर भी हमें वीवीपैट मशीन्स का उपयोग करना पड़ रहा है. तो ये भी एक दुखद चीज़ है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इस मैटर को कुछ पार्टीज लेकर गई थी और फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर किया कि वीवीपैट का उपयोग किया जाए टू मेक श्योर एवरीथिंग इज़ ऑल राइट. लेकिन हम ऐसा भी कर सकते हैं कि एक डिजिटल स्क्रीन भी हो सकती है, ताकि ये पेपर और ये सारी चीज़ें जो हैं उनका दुरुपयोग ना हो, या दुरुपयोग इन द सेंस कि एनवायरनमेंट, ये पेपर का ज़्यादा उपयोग ना हो. तो ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स हमें सोचने चाहिए. अगर हो सके तो फ्यूचर में कोई ईवीएम में ही ऐसी छोटी सी स्क्रीन हो सकती है, जिसमें अगर आप किसी भी पार्टी को वोट देते हैं तो वहाँ पर आप देख सकते हैं फॉर टाइम फॉर 7 सेकंड्स या 10 सेकंड्स, तो आप अच्छी तरीके से पढ़ पाएँ कि आपने किस पर्टिकुलर पार्टी को या कैंडिडेट को वोट दिया है. तो ऐसी कुछ तरकीब हम निकाल सकते हैं. तो इससे भी जो वीवीपैट एडिशनल मशीन हमने इसमें ईवीएम में ऐड की है, तो उसका ट्रांसपोर्टेशन और हैंडलिंग के कॉस्ट जो हैं वो भी कम हो सकते हैं. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम, ये है टफ टॉकिंग. यूएसए और रशिया दोनों तालिबान के साथ, तालिबान के जो तालिबान एक ग्रुप हैं तो इनके लीडर्स के साथ बातचीत कर रहा है. मॉस्को फॉर्मेट एक सबसे पहले हुआ तो वहाँ पर यूएसए भी उपस्थित था. ये मॉस्को में हुआ था, रशिया में, जिसके बारे में भी हमने बात की थी. और फिर यूएसए ने कतार में तालिबान के साथ बात की है. तालिबान का जो मेन हेडक्वार्टर है, उनकी एक ऑफिशियल ऑफिस जो है वो कतार में है. कतार कहाँ पर लोकेटेड है क्विकली देख लेते हैं. यहाँ पर जूम करते हैं मैप को और ये रहा कतार, दिस इज़ कतार हियर. मैं आपको जूम करके एक बार दिखा देता हूँ. तो ये है मिडल ईस्ट, वेस्ट एशिया, और यहाँ पर जो मैंने रेड डॉट किया है वहाँ पर है कतार, सऊदी अरेबिया, फिर यूएई, इन सारे देशों के साथ ये इनके पड़ोसी देश हैं कतार के. नाउ द थिंग इज कि ये जो बातचीत हो रही है, ये अब ये भी एक फॉर्मेट हमें देखने को मिल रहा है कि तालिबान के साथ रशिया भी अलग तरीके से बात कर रहा है, यूएसए भी अलग तरीके से बात कर रहा है, लेकिन एक चीज़ तो दोनों की बातचीत में, या फिर ये जो ट्राइंगल यहाँ पर बन रहा है, राइट, एक तरफ है तालिबान, दूसरी तरफ है यूएसए और एक तरफ है रशिया, तो ये जो बातचीत हो रही है, इन बातचीत में एक चीज़ कॉमन है, दोनों रशिया और यूएसए ने ये एक्सेप्ट किया है कि अफगानिस्तान के अंदर अगर हमें शांतिमय वातावरण क्रिएट करना है तो फिर हमें थोड़े टाइम के लिए तालिबान के जो भी डिमांड्स हैं या फिर तालिबान जो भी चीज़ें बता रहा है उनको सुनना होगा, और किसी भी प्रकार के वायलेंस को बंद करना, या फिर ऐसी अगर कंडीशन रखते हैं कि तालिबान के साथ तभी बातचीत होगी जब वो वायलेंस बंद कर देंगे, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है. ये दोनों ने अब मान लिया है, यूएसए और रशिया ने. तालिबान एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिनके जो टॉप लीडर्स हैं या फिर जो भी इनकी इनकी पूरी कैडर जो हैं उनको एक सपोर्ट मिलता है एक कंट्री से, और ये है पाकिस्तान. ISI यानी कि इंटर सर्विस इंटेलिजेंस, और पाकिस्तान की जो आर्मी है ये फुल फ्लेज्ड सपोर्ट दे रही है तालिबान को, तालिबान लीडरशिप को. और क्योंकि यहाँ पर जो उनकी बॉर्डर है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो बॉर्डर है, ये दुरंद लाइन, कभी आपने इसका नाम सुना होगा, तो यहाँ से बहुत ही ईजिली पाकिस्तान में आ जा सकते हैं. पाकिस्तान और अफगानिस्तान एक कंट्री से दूसरे कंट्री में आप ईजिली वाया लैंड बाउंड्री आ जा सकते हैं. तो तालिबान के बहुत सारे लीडर्स एक सालों से उन्होंने यहाँ की जो जियोग्राफी है उसका उपयोग किया है, और पाकिस्तान ने भी अपनी बॉर्डर को काफ़ी पोरस रखा है ताकि यहाँ के कुछ लीडर्स वो यहाँ पर आ जा सके और बाकी जो भी फ़ायदा पाकिस्तान को इससे हो रहा है उसका लाभ पाकिस्तान उठा सके. तो फ्रंट में है तालिबान, इसका जो बैकअप है वो है पाकिस्तान, और ये चीज़ जो है यूएसए भी जानता है, रशिया जानता है, भारत जानता है, हर कोई जो भी देश इस पर्टिकुलर कंट्री के साथ ये पीस प्रोसेस के साथ जुड़े हुए हैं वो इस चीज़ से वाकिफ़ हैं. नाउ द थिंग इज़ तालिबान ने ये भी बताया है कि जो अलकायदा हैं, इस्लामिक स्टेट हैं, ये सारे जितने भी
टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो उनके साथ उनके टाइज जो हैं उन्होंने तोड़ दिए हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि फॉरेन टेररिस्ट जो हैं अफगानिस्तान में एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। तालिबान जो हैं वो किसी भी प्रकार की कंपटीशन ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से नहीं चाहता है। इट वॉन्ट टू मेक श्योर के एब्सोल्यूट अगर किसी की ये अफगानिस्तान में चलती हैं तो वो तालिबान होगा। और तो ये भी एक है, इंटरनल क्लैशेस भी अलग अलग टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में हमें देखने को मिले हैं। और मैंने आपको बताया था कि तालिबान जो है वो अब इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका है कि जो भी पीस प्रोसेस में अलग अलग कंट्रीज जो हैं, इंटरेस्टेड पार्टी, स्टेक होल्डर्स हैं, उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, दे हैव टू लिसन टू तालिबान। तो फिलहाल तो ये सिचुएशन है। एज़ फार एज़ इंडिया इज़ कंसर्नड, भारत की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं और जो भी इम्पोर्टेंट ग्रुप्स हैं हमारे, वो वहाँ पर एक्टिव हैं। और हमारा जो मेन पॉइंट है वो ये है कि पिछले 20 सालों में जो भी एक पीस प्रोसेस या फिर डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स भारत ने वहाँ पर लगाए हैं अफगानिस्तान में, भारत का जो भी इंटरेस्ट है वहाँ पर, ये सारी चीज़ों को सिक्योर रखा जाना चाहिए। ये भारत का कंसर्न है क्योंकि भारत ने वहाँ पर डैम्स बनाए हैं, वहाँ पर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस बनाए हैं, वहाँ की पार्लियामेंट को बनाया है। तो तालिबान अगर ये सारी चीज़ों को डिस्ट्रॉय करने की बात कर रहा है तो भारत इसमें इंटरेस्टेड, मीन्स भारत इज़ नॉट हैप्पी विद दिस। और भारत इसीलिए जो भी प्रयत्न हो सकते हैं वो इस रीजन में कर भी रहा है। दूसरा जो एक आर्टिकल है, ट्रंप एंड हिज जनरल्स, तो ये भी इसी रीजन के साथ, आप कह सकते हैं वेस्ट एशिया के साथ और अफगानिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है। ट्रंप साहब ने अपने इलेक्शन कैंपेन में बहुत सारी प्रोमिसज की थी, खास करके पोल प्रोमिसज जिसको हम कहते हैं, तो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स के बारे में उन्होंने बहुत सारी प्रोमिसज की थी और वो सारी प्रोमिसज उन्होंने फुलफिल भी की हैं। जैसे कि क्लाइमेट चेंज, पेरिस एग्रीमेंट जो हैं उसमें ओबामा साहब ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, लेकिन उनके बाद आए मिस्टर ट्रंप और मिस्टर ट्रंप ने यूएसए को ही इस पेरिस एग्रीमेंट से निकाल दिया। ईरान न्यूक्लियर डील जो हैं, JCPOA जिसको कहते हैं, तो JCPOA में P5 परमानेंट 5 कंट्रीज प्लस 1 यानी कि जर्मनी ने मिलकर ईरान के साथ एक डील की थी। जो अलग अलग एजेंसीज हैं जैसे कि IAEA, तो इनका भी कहना है कि ईरान ने किसी भी प्रकार का उल्लंघन नहीं किया है इस डील का, लेकिन फिर भी मिस्टर ट्रंप जो हैं वो इस ईरान न्यूक्लियर डील में से यूएसए को उन्होंने बाहर निकाल दिया है। ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के साथ भी सेम चीज़ हुई है। जेरूसलम का इशू जो है, जो इसराइल और पैलेस्टाइन के बीच में एक लंबे टाइम से एक बोन ऑफ कंटेंशन है, तो इसमें भी यूएसए ने यूनिलैटरली खुद ने ही ऐसा डिक्लेयर कर दिया कि जेरूसलम जो है ये इसराइल का कैपिटल है और अपनी जो एम्बेसी थी, अपना दूतावास जो तेल अवीव में था, उसको ट्रांसफ़र करके उन्होंने जेरूसलम में खोल दिया। उसके बाद हमने ये भी देखा कि ऑस्ट्रेलिया जो है ये दूसरा ऐसा कंट्री बन गया जिसने सेम स्टेप उठाए हैं जस्ट लाइक यूएसए, उन्होंने भी अपनी तेल अवीव में से फिर जेरूसलम में अपनी एम्बेसी जो है वो डिक्लेयर कर दी है। तो अब देखिए कितने इश्यूज़ जो हैं वो क्रिएट किए हैं। और इसी के साथ जो नेटो के मेंबर्स हैं, बहुत सारे नेटो के मेंबर्स हैं, तो पोलैंड हैं, फिर दूसरे कंट्रीज जो भी हैं, तो ये कुछ पैसे हर टाइम पर, हर साल उनको कुछ कंट्रीब्यूशन करना था तो ये नहीं कर रहे थे, तो इनके ऊपर भी प्रेशर क्रिएट किया है जिससे कि वो डिफेंस, जॉइंट डिफेंस प्रोजेक्ट्स में अपना जो शेयर है वो कंट्रीब्यूट करें। इसी के साथ उनकी एक प्रॉमिस थी कि सीरिया और अफगानिस्तान में जो उनके ट्रूप्स हैं, जो यूएसए की फोर्सेस हैं, उनको विथड्रॉ किया जाएगा, उनको वापस बुलाया जाएगा। और बहुत सारे लोग जो हैं यूएसए में भी इस चीज़ से खुश नहीं हैं, वो मिस्टर ट्रंप के द्वारा उठाए गए ये स्टेप्स, खास करके ये जो ट्रूप्स को वापस बुलाने की बात है। तो आज भी वहाँ पर हम जानते हैं, अफगानिस्तान और सीरिया की बात करें तो वहाँ पर एक पीसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं हुआ है, और अगर यूएसए यहाँ से निकल जाता है तो चीज़ें जो हैं वो और ज़्यादा बिगड़ सकती हैं। मिस्टर ट्रंप का ये जो मूव है कि विड्रॉ करना आर्मी को या फोर्सेस को, तो इसको ये बताया जा रहा है कि ये स्टेप्स जो हैं ये उनके जो दुश्मन देश हैं जैसे कि रशिया और ईरान, उनके हित में होंगे और यूएसए जो है लॉन्ग टर्म में इस पर्टिकुलर डिसीजन से पछताने वाला है। और यूएसए की एक आप कह सकते हैं पैटर्न रही है, जब कभी भी उनको कोई इंटरनेशनल प्रॉब्लम दिखता है तो वो दो चीज़ करते हैं, एक तो या तो सैंक्शंस लगा देते हैं किसी देश के ऊपर, या फिर एक बल का उपयोग करके, फोर्स का उपयोग करके जो चीज़ वो करना चाहते हैं वो करते हैं। अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल इराक की बात करें, तो इराक में जो एक इन्वेजन किया था यूएसए ने,
तो ये इन्वेजन इलीगल था क्योंकि यूनाइटेड नेशन के द्वारा इसको अप्रूव नहीं किया गया था। ये यूएसए ने खुद ने ही एक डिसीजन ले लिया कि इराक के ऊपर अटैक करना है और पूरी दुनिया जो है वो देखती रही। तो कई बार ऐसी भी चीज़ हमें देखने को मिलती हैं। अपने देश में तो ये बहुत ही डेमोक्रेटिक, अपने लोगों के लिए बहुत ही डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन जब वर्ल्ड की बात आती है तब एक तानाशाह की तरह यूएसए जो हैं वो कई बार उन्होंने बिहेव भी किया है और बिहेव करता भी है। मिस्टर ट्रंप इज रॉन्ग इन एजर्टिंग दैट यूएस डिस्ट्रॉयड द इस्लामिक स्टेट इन सीरिया, क्योंकि आइसिस की बात करें सीरिया में डिस्ट्रक्शन, आइसिस का डिस्ट्रक्शन यूएसए ने किया है ऐसा जो क्लेम है, इसकी बात करें तो यूएसए ने बहुत सारे बॉम्ब्स जो हैं वो अपने ड्रोन्स और अपने प्लेन्स से यहाँ पर लॉन्च किए हैं और बहुत सारे सिविलियंस जो हैं उनकी भी इसमें मृत्यु हुई है। जब भी ऐसी मृत्यु होती है तो यूएसए कई बार ये कह देता है कि इट इज़ ए कोलेट्रल डैमेज, कि ये एक सामूहिक निषेध है, इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर देखा जाए तो सच में आइसिस का मुकाबला अगर किसी ने किया है तो यह है कुर्दिश लोग, जो कुर्द्स हैं जो नॉर्थ ईस्ट सीरिया में रहते हैं, उन्होंने सबसे ज़्यादा मुकाबला किया है। असाद गवर्नमेंट, रशिया हैं, ईरानियन हैं और हिजबुल्ला, ये सारे जो अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं, तो इन्होंने आइसिस के खिलाफ ग्राउंड बैटल जो हैं वो इन्होंने कंडक्ट की थी। और सबसे ज़्यादा श्रेय जो मिलता है वो है कुर्दिश लोगों को, कुर्दिश लोगों ने हथियार उठाए। नो डाउट यूएसए ने कुर्दिश लोगों को सपोर्ट भी किया, लेकिन कुर्दिश लोगों को श्रेय जाता है आइसिस को, जितने भी एक स्ट्रॉन्ग होल था आइसिस का तो उसको वीक करने के पीछे जो एक सबसे बड़ा रोल प्ले किया है वो है कुर्दिश लोगों ने। अब वहाँ के जो लोग हैं, खास करके वो जो एक्सपर्ट्स हैं या फिर टॉप एडमिनिस्ट्रेटर हैं यूएसए के, उनको ख़तरा लग रहा है चाइना से। और क्यों ना लगे, क्योंकि चाइना ने मिलिट्री और नॉन मिलिट्री मीन्स के माध्यम से अलग अलग जगह पर अपने जो हैं बेसिस बनाए हैं। पाकिस्तान में आपको पता है कि जो ग्वादर है तो वहाँ पर एक अपनी नेवल शिप्स पार्क करने की बात हो रही है। सऊदी अरेबिया जो है वो भी वहाँ पर इन्वेस्ट करने वाला है पाकिस्तान में। फिर दूसरे देशों की बात करें तो यहाँ पर है जिबूटी, तो जिबूटी में भी चाइना ने अपना पहला ओवरसीज मिलिट्री बेस खोल के रखा है। कंबोडिया की बात करें तो वहाँ पर भी, कंबोडिया एक साउथ एशियन नेशन है, साउथ ईस्ट एशियन नेशन है, तो यहाँ पर भी चाइना जो है वो मिलिट्री नॉन मिलिट्री माध्यम से। फिर BRI है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, तो ये सारी चीज़ें से अमेरिका जो है उसको एक थोड़ा पैनिक भी हो रहा है, अमेरिका थोड़ा एक सचेत भी हैं फिलहाल, इट इज़ ऑब्जर्विंग चाइना। बात करें नॉर्थ कोरिया की, तो नॉर्थ कोरिया और यूएसए के बीच में आने वाले टाइम में बातचीत, फिलहाल जब हम बात कर रहे हैं तो कल की ही बात है कि यूएसए के जो टॉप एक एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो नॉर्थ कोरिया में हैं, प्योंगयांग में, और वहाँ पर वो बातचीत कर रहे हैं। और आने वाले टाइम में सेकंड मीटिंग भी होने वाली है बिटवीन मिस्टर ट्रंप एंड किम जोंग उन। तो फिर इसका क्या होगा, मीन्स अगर साउथ कोरिया से भी मिस्टर ट्रंप जो हैं अपनी जो फोर्सेस हैं यूएसए की फोर्सेस उसको हटा लेंगे, तो फिर ये डील जो है यूएसए और नॉर्थ कोरिया के बीच में, जो भी एक प्रेशर हम क्रिएट कर पाए हैं नॉर्थ कोरिया के ऊपर, तो इसके ऊपर भी एक इम्पैक्ट हो सकता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, यू नो, ये दोनों चीज़ों को हमें देख मिल, यू नो, क्लब करके देखने की कोशिश करनी चाहिए। एक है टफ टॉकिंग और दूसरा जो है ये एक ओवरऑल जियोपॉलिटिक्स की बात करो, जिसमें यूएसए का जो एक रोल है वो भी आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हेल्थ केयर के बारे में। हमारी सरकार का ये गोल है कि जो पब्लिक हेल्थ स्पेंडिंग है, जो हम हेल्थ के पीछे जो भी हमारा देश एज ए गवर्नमेंट जो हम इन्वेस्ट करते हैं या फिर स्पेंड करते हैं, तो इसको 2.5% तक ले जाए, 2.5% ऑफ आवर GDP। फिलहाल हम 1.15 से लेकर 1.50% ऑफ GDP जो है वो हेल्थ के पीछे इन्वेस्ट करते हैं। अब ये 2.5 का आंकड़ा अगर हमें अचीव करना है तो हर साल 20-25% इंक्रीज़ होना चाहिए एक बजट में जो हेल्थ के पीछे हम यूज़ करते हैं। लेकिन इंटरिम बजट की बात करें तो इसमें ऐसी कोई 20-25% का जो हाइक है वो हमें देखने को नहीं मिला है। नेशनल हेल्थ प्रोफाइल ऑफ 2018 के मुताबिक पब्लिक पर कैपिटा एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ जो हैं 2009-10 में
ये 621 रुपीस था, यानी कि एक व्यक्ति के पीछे 2009-10 में भारत जो है वो सिर्फ 621 रुपीस इन्वेस्ट करता था, और 2015-16 में देखे तो नियरली डबल हैं, 1112। लेकिन इसी चीज़ को जब हम यूएसए के साथ कंपेयर करते हैं तो यूएसए 10,224 यहाँ पर रुपीस हैं, और यहाँ पर हैं डॉलर्स, 10,224 डॉलर पर पर्सन यूएसए जो हैं वो स्पेंड करता है। अपनी जीडीपी का 18% यूएसए हेल्थ एक्सपेंडिचर के तौर पर यूज करता है, भारत 1.5 मैक्स। और दूसरे जो ओईसीडी कंट्रीज हैं उनके साथ अगर हम देखें तो ऑन एन एवरेज वो 4,000 से लेकर 5,000 डॉलर पर कैपिटा स्पेंडिंग करते हैं। तो आपको पता है, अब इसी चीज़ के साथ अगर हम कंपेयर करें 1,000 रुपीज़ जो हैं, रफली 1,100, देन दिस इज़ नथिंग, राइट? ये हम बात करें कुछ 15-16 डॉलर की, तो दिस इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प अस। जो आउट ऑफ एक्सपेंडिचर, जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है, यानी कि अगर आप बीमार होते हैं तो आपको ही पैसे स्पेंड करने पड़ते हैं, गवर्नमेंट से कोई हेल्प नहीं मिलती है, तो अगर मिलती भी हैं तो 67% तक ऑन एन एवरेज आपको खर्च करने पड़ते हैं। ये बताया जा रहा है कि आयुष्मान भारत के आने से एक डिफरेंस क्रिएट होगा, हेल्प ही हो रही है, बहुत सारे लोगों की हेल्प हुई है नो डाउट, लेकिन फिर भी आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जो हैं उसको आयुष्मान भारत भी इतना ज़्यादा कम नहीं कर पाई है। धीरे धीरे जो हैं चीज़ें इंप्रूव होगी, लेकिन फिलहाल तो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा हैं। गवर्नमेंट ने यह भी तय किया है कि बाई 2022 कुछ 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स जो हैं हमारे देश के हर एक कोने में हमें देखने को मिलेंगे। कुछ 8,000 जितने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो हैं फिलहाल खोले गए हैं, और ये जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हैं तो ये प्राइमरी हेल्थ प्रोवाइड करने वाले हैं। लेकिन इस हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में एक चीज़ जो मिसिंग है वो ये है कि हेल्थ एजुकेशन और होलिस्टिक वेलनेस किस तरीके से हम मेंटेन कर सकते हैं, इसके साथ जो मॉडर्न मेडिसिन है क्या उसको हम इंडियन मेडिसिन के साथ मर्ज कर सकते हैं, तो ये कुछ चीज़ें यहाँ पर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में आज भी मिसिंग हैं। आज अलग अलग एक्सपर्ट्स जो हैं, बहुत सारे ऐसे यूट्यूब के प्लेटफॉर्म हैं, टेड टॉक हैं, फिर लंडन रियल हैं, ऐसे कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर एक्सपर्ट्स होते हैं अलग अलग फील्ड के, मेडिटेशन के बारे में बात हो रही है, फिर रिसर्च हो रही है अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में कैसे माइंडफुलनेस जो है वो हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट डालता है, कैसे हमारी बिलीफ सिस्टम हमारी हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट डालती हैं। कई बार ये भी कहा जाता है कि बहुत सारी जगहों पर हम ये भी पढ़ते हैं, नो डाउट रिसर्च हो रही है इसके ऊपर, कई जगह पर कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स भी मिले हैं कि बहुत सारी जो हेल्थ के साथ जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो हमारे किचन में और हमारी लाइफस्टाइल के ऊपर हैं कि क्या चीज़ हम खाते हैं, कब सोते हैं, कब उठते हैं, क्या करते हैं, तो ये सारी चीज़ें अगर प्रमोट की जाए तो फिर जो कॉस्ट है मेडिसिन का और ये सारी चीज़ों का वो भी कम हो सकता है। और वेल्थ, ये जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है, सॉरी, तो इसमें भी वेल्थ एलोकेशन जो है ये सिर्फ 1 लाख रुपीज़ पर ईयर है, तो ये भी एक बहुत ही कम अमाउंट दी गई है बाय गवर्नमेंट। नीति आयोग ने ये रिकमेंडेशन दिया है कि जो भी सिन प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि टोबैको हैं, अल्कोहल हैं, अनहेल्थी जंक फूड हैं, तो इनके ऊपर टैक्सेस जो हैं ये इंक्रीज़ करने चाहिए ताकि पब्लिक और प्रिवेंटिव हेल्थ सिस्टम में इन टैक्स कलेक्टेड मनी का उपयोग हम कर सकें। दूसरा जो हमारे यहाँ पर प्रॉब्लम है जिसको हमें एड्रेस करना होगा वो ये है कि जो डायग्नोसिस होता है, प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी जिसको कहते हैं, तो डायग्नोसिस और ये सारी चीज़ें बहुत ही लेट स्टेज में हमें पता चलती है। नियरली 70% से भी ज़्यादा जो केसेस हैं कैंसर्स के वो स्टेज 3 में और स्टेज 4 में आइडेंटिफाइड होते हैं, और जब आप इस स्टेज में होते हैं 3rd या 4th स्टेज में, तब जो कॉस्ट होती है ये 3 to 4 times ज़्यादा बढ़ जाती हैं, पेन भी बढ़ जाता है, तो अर्ली डिटेक्शन इज़ द की, इससे कॉस्ट भी कम होगा और जो व्यक्ति हैं उनको भी, उनके जो चांसेस हैं ज़िंदा रहने के वो भी हम इम्प्रूव कर पाएंगे। बॉटम जो लाइन है यहाँ पर वो ये है कि इंक्रीज ऑफ GDP एलोन डज नॉट गारंटी हेल्थ। GDP का एलोकेशन अगर हम इंक्रीज कर देंगे तो इससे हेल्थ इम्प्रूव हो जाएगी, इट्स नॉट ऑलवेज पॉसिबल, लेकिन एक चीज़ पॉसिबल है कि हेल्थ जब इम्प्रूव होगी तो GDP में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर लोग प्रोडक्टिव हैं तो फिर वो अपनी जो एक कंट्रीब्यूशन है इकोनॉमी में, इकोनॉमिक एक्टिविटी में जो अपना एक योगदान है वो डेफिनेटली बढ़ा पाते हैं। अब बात करते हैं कुछ लेटेस्ट न्यूज़ आइटम्स के बारे में। हमने कई बार ये चीज़ देखी है, हम देखते हैं कि जो लॉयर्स होते हैं, जो एडवोकेट्स होते हैं, ऐसे ही कोई एक तारीख हुई और तारीख
एक बड़ा ही एक सेंसिटिव या फिर एक फेमस केस है, तो फिर कोर्ट के बाहर निकल कर वो अपडेट्स देते हैं, कई बार उनके स्टेटमेंट्स जो होते हैं वो जजेस के खिलाफ होते हैं, और ये सारी चीज़ें जो हैं फिर जुडिशरी को काफ़ी इम्पैक्ट करती है, लोगों का भरोसा इन सारी चीज़ों से उठ जाता है। और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया है, अब एग्जामिनिंग द पॉसिबिलिटी, सुप्रीम कोर्ट जो है वो हो सकता है कि एडवोकेट्स जो होते हैं अपने व्यूज़ मीडिया के सामने जो रखते हैं पेंडिंग केसेस के ऊपर खास करके, और जजेस के खिलाफ जो स्टेटमेंट्स देते हैं, तो इन सारी चीज़ों के ऊपर कर्ब लगाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट इसके बारे में सोच रही है। सुप्रीम कोर्ट ने यह बताया है कि जुडिशरी का जो एक रेपुटेशन है, इसके ऊपर जो लोगों का भरोसा है, इसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, और एडवोकेट्स को भी इस चीज़ से समझ ये बात को ध्यान में रखना होगा कि मीडिया और दूसरे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके कैमराज आपके ऊपर होंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप इस प्रकार के सेंसिटिव या फिर ऐसे कह सकते हैं मसाला स्टेटमेंट्स जो हैं वो डिलीवर करें। अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स टू बी बैंड, यूनियन कैबिनेट जो हैं वेडनेसडे को इन्होंने अप्रूव किया है, एक ऑफिशियल अमेंडमेंट किया है एक्ट में, ये जो बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स बिल 2018, जिसमें गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव ना की गई जो भी स्कीम्स हैं, डिपॉजिट स्कीम्स जो रजिस्टर्ड नहीं हैं, वो सारी इलीगल तो हैं ही, लेकिन इसी के साथ साथ एक ऑफेंस भी, इसको एक ऑफेंस भी माना जाएगा, तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी हो सकती हैं। बहुत सारी ऐसी स्कीम्स होती हैं जो रजिस्टर्ड नहीं है, तो इसमें जो गरीब लोग हैं उनसे पैसे कलेक्ट किए जाते हैं और फिर उनको उनके पैसे जो हैं वो वापस नहीं लौटाए जाते, तो ये एक इश्यू हमें देखने को मिला है। पैनल डिफर्स रिसोर्ट प्रोजेक्ट्स ऑफ एट अंदमान्स, यूनियन मिनिस्ट्री जो हैं इन्होंने कुछ 100 करोड़ रुपीज़ का एक प्रपोजल था अंदमान निकोबार आइलैंड में इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा, यहाँ पर आइलैंड रिजॉर्ट्स बनाए जाएँ, प्रीमियम टेंट्स और ट्री हाउसेज, ताकि टूरिज़्म को एक बूस्ट मिले, तो ये एक लॉन्ग टर्म प्लान है सेंट्रल गवर्नमेंट का। लेकिन एक्सपर्ट कमेटी जो हैं इन्होंने ये बताया है कि ये बायोडाइवर्सिटी जो है इस आइलैंड की, इसको डिस्ट्रॉय कर देगी, ये अकाउंट में नहीं लेती हैं। ये जो यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री की एक कमेटी है, एक्सपर्ट कमेटी, इसने अपना एक स्टेटमेंट दिया है, अपना एक व्यू दिया है कि जो एक सॉलिड वेस्ट यहाँ पे क्रिएट होगा, फिर हाल ही में जो गवर्नमेंट है उन्होंने कोस्टल रेगुलेशन में, कोस्टल रेगुलेशन के साथ जुड़े हुए जो लॉज हैं उसमें भी एक अपडेट किया है, तो ये सारी चीज़ों को अगर देखें तो ये जो प्रोजेक्ट्स यहाँ पर होने वाले हैं आइलैंड रिजॉर्ट और चीज़ों के, तो ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं है। फेथ वर्सेस इक्वालिटी, सुप्रीम कोर्ट जो हैं उसने अपना सबरीमाला जो रिव्यू पिटीशन है, तो अपना जो ऑर्डर है वो रिजर्व रखा है, आने वाले टाइम में सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर अपना जो डिसीजन है वो देगी। यहाँ पर दो पार्टीज़ हैं, एक हैं जो महिलाओं की एंट्री इस टेंपल के विरुद्ध में है और दूसरे जो हैं वो फेवर में हैं। सेंटर बैंस कश्मीर आउटफिट, एक आउटफिट है जिसका नाम है तारिक उल मुजाहुद्दीन, तो इसको अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट UAPA, यूपा कई बार आपने सुना होगा, तो इसके तहत सेंट्रल गवर्नमेंट ने, यूनियन मिनिस्ट्री ने इस ऑर्गेनाइजेशन को बैन किया है। इसके ऊपर इल्ज़ाम यह है कि बहुत सारे ऐसे टेररिस्ट अटैक्स जो हैं ये इस पर्टिकुलर एजेंसीज के द्वारा किए जाते हैं। हमारा G-SET 31, भारत का सबसे बड़ा आप कह सकते हैं एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, इंडियाज़ 40th कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है, और ये हमने लॉन्च किया है यूरोपियन रॉकेट जिसका नाम है एरियन, और फ्रेंच गायना जो साउथ अमेरिका का एक देश है, तो वहाँ से इसको लॉन्च किया गया है। ये VSAT नेटवर्क्स में टेलीविजन अपलिंक्स, DTH टेलीविजन सर्विसेज, सेल्यूलर कनेक्टिविटी और ATMs के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। इसके सेलियंट फीचर्स यहाँ पर दिए गए हैं। लास्ट है हाइकिंग MSP डिस्टोर्ट्स एग्री मार्केट। फाइनेंस मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स ने यह बताया है कि जब MSP को इंक्रीज़ किया जाता है, आपको पता है कि गवर्नमेंट ने लास्ट बजट में, ये इंटरिम बजट नहीं लेकिन इससे पहले जो बजट था उसमें 50% हाइक की बात की थी, तो अगर 100 रुपये आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है तो उसके ऊपर मिनिमम 50 रुपीज़ तो आपको मिलेंगे ही MSP में। तो इस चीज़ से ये होता है कि कई किसान जिन उनके एरिया में पानी की कमी है लेकिन शुगर केन के ऊपर, गन्ने के ऊपर ज़्यादा MSP मिलती है, तो फिर वो गन्ने की खेती करते हैं, तो इससे एनवायरनमेंट के लिए भी फ्रेंडली नहीं है, फिर ओवर सप्लाई हो जाती है चीज़ों की, फिर प्राइसेस कम हो जाती है, तो डिमांड एंड सप्लाई का जो एक रिलेशन है वो भी डिस्टॉर्ट हो जाता है। तो MSP जो है वो हर बार हेल्प नहीं करती है, ये कहना है फाइनेंस मिनिस्ट्री के कुछ ऑफिशियल्स का। वोकैब्स हैं एब्जर्ड, एब्रेस्ट, एलिजेंस, फिर है डिनोंसिएशन एंड स्पूल।
एंड दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज़ डिस्कशन. थैंक यू वेरी मच. गॉड ब्लेस यू ऑल. जय हिंद.